मैं नीलेश पटेल, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, बिजनेस कोच एंड लाइफ कोच। दोस्तों, आई लव माय कंपनी, मेरी कंपनी को प्यार करना है। आप बोलेंगे, सर मेरी कंपनी को मैं क्यों प्यार करूं? हम तो जॉब को प्यार करेंगे, फैमिली को प्यार करेंगे, सेल्फ को प्यार करेंगे। सही बात है, लेकिन आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कंपनी को भी प्यार करना जरूरी है। मेरा एक वाक्य आपको कंपनी को प्यार करने में मजबूर कर देगा। मेरे साथ बोलिए, मेरी कंपनी मेरा जीवन आधार है। आप बोलिए मेरे साथ, मेरी कंपनी मेरा जीवन आधार है। इसलिए आई लव माई कंपनी, आई लव माई कंपनी, आई लव माई कंपनी। एक वाक्य, मेरी कंपनी मेरा जीवन आधार है। जरा सोचिए, आप जिस कंपनी में काम करते हैं वह कंपनी में सबसे ज्यादा, मतलब हमारे 24 घंटे में से हम जब हयात अवस्था में होते हैं तब हम सबसे ज्यादा कंपनी में रहते हैं, और जब सबसे ज्यादा कंपनी में रहते हैं और रहकर हमको जो सैलरी मिलती है वह सैलरी से हम हमारे छोटे मोटे सपने पूरे करते हैं या घर चलाते हैं। इसका मतलब है कि आपका जीवन आधार कौन है? अभी आप जो जी रहे हैं कंपनी में काम करके, इसका मतलब है जो सैलरी आती है उससे आपका जीवन चलता है। अगर आपका जीवन उससे चलता है तो इनका मतलब है कि एक कंपनी आपका जीवन आधार है। इसलिए मैं कहता हूं कंपनी को प्यार करना है। तो क्या आज से आप कंपनी को प्यार करेंगे? आप बोलेंगे, सर यस। तो मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, मेरी कंपनी मेरा जीवन आधार है। बोलिए मेरे साथ, मेरी कंपनी मेरा जीवन आधार है। और राइट हैंड की मुट्ठी ऐसे बंद कीजिए और बोलिए, आई लव माई कंपनी, आई लव माई कंपनी। अब मैं आपको बोलता हूं, कंपनी का तो प्यार किया, अब जॉब को भी प्यार करना है। खुशी खुशी आपको प्यार करना है, क्योंकि आपने कभी भगवान से मांगा है कि मुझे एक नौकरी दे दे, और आपको भगवान ने आपके हिसाब से नौकरी दी है। अगर आपको नौकरी मिल गई है, जॉब से भी प्यार करना पड़ेगा। तो मेरे साथ बोलिए, आई लव माई जॉब, आई लव माई जॉब, आई लव माई जॉब। अब जब जॉब को प्यार करते हैं तो साथ में हमारी फैमिली है, तो फैमिली हमारे घर की फैमिली, कंपनी में रहते तो कंपनी के साथ की फैमिली, तो सबको सबको साथ में लेकर काम करना है। तो मेरे साथ बोलिए, आई लव माई फैमिली, आई लव माई फैमिली। अब जब कंपनी में काम करते हैं तो स्ट्रेस होता है या टेंशन होता है या आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है, सब कुछ होता है। आज मैं आपको ऐसे इंसान को मिलाना चाहता हूं, अगर आपने उनको प्यार करना शुरू कर दिया तो भी आप कंपनी में अच्छी तरह से काम कर सकेंगे, क्योंकि आज आपको पता चल गया है कि मेरी कंपनी मेरा जीवन आधार है। तो मेरे साथ मैं आपको एक इंसान को मिलाना चाहता हूं, और वो और दूसरा कोई नहीं है, आप खुद है। मैं खुद हूं, आप है, आप खुद। तो मेरे साथ यहाँ राइट हैंड में आपको हाथ रखना है और बोलना है, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। आप खुद है और कोई नहीं है दूसरा इंसान, आप खुद है। आज आप खुद से मिलिए, बातें करिए कि भगवान ने या जिस भी शक्ति में आप मानते हैं उसको याद करके, क्यों मेरे को जॉब दी? तो आपने मांगा है, आपको जॉब मिल गई है। अब मिली है तो मेरी कंपनी मानकर काम करना है, मेरी कंपनी मानकर काम करना है। क्यों? क्योंकि मेरी कंपनी मेरा जीवन आधार है। इसलिए आई लव माई कंपनी, आई लव माई कंपनी। दोस्तों, अब जब कंपनी को प्यार करते हैं तो कंपनी में रहने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आएंगे। तो आज को प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देना है, आपका फोकस प्रॉब्लम पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस सॉल्यूशन पे होना चाहिए। किस पे फोकस करना है? सॉल्यूशन पे फोकस करना है। प्रॉब्लम तो आएगा, लेकिन प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देना, इसलिए समस्या से समाधान तक जाना है।
कहां जाना है, समस्या से समाधान तक। तो आप प्रॉब्लम पे फोकस, प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम, और आप प्रॉब्लम की बातें करेंगे तो आपके सामने प्रॉब्लम ही आने वाला है। अगर आप समाधान की बात करेंगे, आप सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सामने सॉल्यूशन आने वाला है। अब कंपनी किसकी है, आज से कंपनी मेरी है, आई लव माई कंपनी। तो हम जो भी प्रॉब्लम आएगा उनका सॉल्यूशन निकालेंगे और कंपनी को वर्ल्ड बेस्ट बनाने में हमारा पूरा साथ और सहकार देंगे। तो आज से आपको आपकी कंपनी को प्यार करना है। अगर कंपनी को प्यार करना है, समस्या समाधान तक जाना है, तो कंपनी से जुड़े रहना पड़ेगा। और उनके लिए आपको और एक मैं आपको टॉपिक देना चाहता हूं कि आपका हित नहीं देखना है, कंपनी का हित देखना है। आपके निजी हित के कारण आप कंपनी में कभी कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो नुकसान नहीं पहुंचाना है। आपके खुद का हित का ध्यान रखना नहीं है, कंपनी के हित का ध्यान रखना है। अगर आपने कंपनी का हित का ध्यान रखा तो कंपनी आपका ध्यान रखेंगी रखेंगी और रखेंगी। उनके साथ आपको पॉजिटिव विचार भी करना है, कंपनी के लिए पॉजिटिव विचार करना है, पॉजिटिव सोच रखनी है कि इस कंपनी ने मुझे लायक बनाया है, इसलिए कंपनी ने मुझे रखा है। तो इस कंपनी को भी प्यार करना और इस कंपनी में दिल से और उत्साह से उमंग से काम करना, ये जिम्मेदारी मेरी है। मुझे जो टाइम दिया गया है वह टाइम में मैं काम करूंगा और अच्छी तरह से काम कर पाऊंगा। और मेरे साथ बोलिए, आई लव माई कंपनी, आई लव माई कंपनी, आई लव माई कंपनी। हमने बात की समस्या से समाधान तक की। अब आपको कंपनी ने कोई सत्ता और जवाबदारी दी है, सत्ता और जवाबदारी आपको निभानी है। और जब सत्ता और जवाबदारी निभाएंगे तो एक उत्तरदायित्व बनता है आपका अच्छा काम करने का। तो आपको जो भी सत्ता ऑथोरिटी दी है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, वह रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभाना है और निभा के अच्छी तरह से आपको उत्तरदायित्व देना है। अब उत्तरदायित्व मतलब क्या होता है, कंपनी ने आपको कुछ काम दिया है, वह काम टाइम पे और कंपनी ने जो बताया है उस तरह से आपको करना है, तो आप उसी तरह से काम करेंगे तो वह आपका उत्तरदायित्व बन जाता है। अगर आपने उत्तरदायित्व अच्छी तरह से निभाया तो ये कंपनी, आपने अभी ही हमने सीखा है कि कंपनी मेरी है और मेरी मानकर आपको उत्तरदायित्व निभाना है, और मेरी मानकर आपने उत्तरदायित्व निभाया तो कंपनी मेरी है, इसलिए मैं बोलता हूँ आई लव माई कंपनी आपको बोलना है। तो मेरे साथ बोलिए, आई लव माई कंपनी, आई लव माई कंपनी, आई लव माई कंपनी। तो दोस्तों, हमने 3-4 पॉइंट सीखे कि भी आई लव माई कंपनी, मेरी कंपनी मानकर आज से काम करना है, मेरी कंपनी मेरा जीवन आधार है, आई लव माई कंपनी, आई लव माई कंपनी। थैंक यू दोस्तों, आपने दिल से मेरे वीडियो को सुना, इसलिए दिल से धन्यवाद।